हेलो, गुड मॉर्निंग अंकिता। गुड मॉर्निंग। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है। अभी सुबह के बज चुके हैं 8। तो गाइज, कल हमारी स्टोरी आई थी, बताना कैसी लगी हमारी स्टोरी अंकिता की, हमारी हमारी जर्नी के बारे में। तो एक दिन हम बोल रहे थे ना आपको कि आपको सरप्राइज देंगे। तो गाइज, ये है हमारा सरप्राइज। ये हमने रूम नया ले लिया है, क्योंकि वहाँ से हमने रूम खाली कर दिया है। और ये रूम है, कितना अच्छा रूम है देखो। अभी तो हमने सामान भी पूरा नहीं जमाया है, इधर देखो बिखर रहा है पूरा सामान। कल ही रूम लिया था ये, अभी देखो बाहर ये अंकल आंटी का सामान था, उन्होंने बाहर फेंक दिया है, तो ये नीचे उतारेंगे। तो देखो ये बाहर अपना पूरी बालकनी अपनी है, ये लेटरिन बाथरूम है और ये वाला, और ये हाथ धोने का वाश प्रेसर, और ये यहाँ के अलावा ये कूलर है। इधर इधर ये पूरा रूम अपना है, इसमें एक सबसे छोटी, और ये बाहर की पूरी बालकनी है, ये भी अपनी है गाइज। कपड़े उपड़े धो के बाहर सुखाओ या बाहर सो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये लग रही है कि इसमें रसोई नहीं है, तो रसोई का सामान अभी तो हमने नीचे रख दिया है। तो गाइज, आज हमने बनाया है पोहा, अंकिता ने स्पेशल, कि अभी 4-5 दिन से हम पोहा नहीं खा रहे थे, क्योंकि रूम खाली किया, स्टोरी बनाई, तो फल फ्रूट खा के, रोटी वोटी खा के टाइम निकाल रहे थे। बाकी आज तो मन कर रहा था कि पोहा बनाएंगे। तो गाइज, अभी हमने बनाया पोहा। और हमारा रूम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी लव स्टोरी, हमारा स्ट्रगल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करो, हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जो आज हमारे जैसे नीचे चुके हैं, आज हमारे समाज में उनका सबका ऊपर नाम हो। हम मेहनत कर सकते हैं, सपोर्ट करना आपके हाथ में। प्लीज़ आप सपोर्ट करो और ब्लॉग में बने रहो। गाइज, आज के खाने में कढ़ी और रोटी, और अंकिता बैठ गए, मेरा इंतजार भी नहीं कर रही है, क्योंकि तो कुछ भी नहीं बैठे। देखो गाइज, रोटी टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई है, तो ये खा ली, इसने खाना पहले खा रही थी, मैंने जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया बंद कर दिया, और मैं वीडियो एडिट कर रहा था सुबह से ही हमारी स्टोरी का, तो वीडियो एडिट हो चुका है। हेलो अंकिता जी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया हूँ, थक गई हूँ, सारे दिन से लगी पड़ी हूँ, सुबह से शाम हो गई है, अब जाके काम फिर आया हुआ है, दो बार नहा ली हूँ, और अब याद आया कि दिया बत्ती तो रह गए, भगवान जी की पूजा करेंगे कहीं से, जब सामान ही व्यवस्थित नहीं है तो। हाँ, तो गाइस पता है आज हमने रूम खाली किया था, तो पूरा रूम है ना ऐसे उथल पुथल हो रहा था, तो हमने पूरा रूम पहले तो व्यवस्थित जमा दिया है, और हम थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि दिन में धूप इतनी पड़ती है कि काम तो छोड़ो आप, कहीं कुछ काम, मतलब मोबाइल भी देखने का मन नहीं करता है। हाँ, तो हम सो गए थे दिन में तो। और अभी अंकिता है ना सब सामानों को व्यवस्थित रख रही है, और आज हमारी लव स्टोरी का पहला वीडियो डाला था हमने, स्ट्रगल लाइफ का बारे में बताया था सबको, तो उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रही है अंकिता, और व्यूज भी अच्छे आए, 20,000+ गए भी 9-10 घंटे में, तो कैसा लग रहा है? मुझे तो सही में, मुझे अब लग रहा है मैं टूटी हुई थी ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से जुड़ गई हूँ। जो कमेंट करते हैं ना सब भाई, सही में भाई बता नहीं सकती, इतनी खुश होती हूँ और इतनी मोटिवेट होती हूँ ना उनकी कमेंटों को पढ़ पढ़ के, पूरा दिन मेरे, मतलब मैं तो कल से ये कर रही हूँ, जो भी कमेंट आए ना बार बार उन्हीं को देख रही हूँ। सही में मुझे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया। हाँ, हम आपसे हमेशा आशा करते हैं, हमें आपसे हमेशा लालच रहता है कि आप सपोर्ट करोगे, लेकिन आप इतना करोगे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। थैंक यू भाई। और मैं तो चाहती हूँ कि अब इतनी मोटिवेट हो गई हूँ मैं कि आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं इनके लिए, और अच्छी से अच्छी बातें बताऊं, और आपके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गाइज, कि हमारे पास कोई ऐसा लड़का नहीं है कि हम दोनों कुछ स्टोरी बना के खुद बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि हमारा पकड़ने वाला नहीं है। तो अभी देखते हैं कोई हमारे पास कोई ऐसा देवा कोई आएगा, तो अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे जिससे आप मोटिवेशन हो सको, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, हर जगह का ब्लॉग बनाएंगे, तो आप बने रहो ब्लॉग में। पहले ये बताओ रूम हमारा कैसा लगा आपको? अंकिता देख लो पूरा सामान को ना खकर वकर कर रखी है, पर अभी ये देखो ऊपर तो हमने जमा दिया है, सुबह जमा दिया था, इधर टीवी सेट कर दिए, और फ्रिज, ये टेबल, ये सब इधर रख दिया, और अभी कपड़े का ये बना के डाल दिया था कि दिन में कहाँ वो कपड़े को कहाँ रखे, तो इसको खोल के बाहर लगा देंगे, क्योंकि देखो ये देखो हमारा बंगार या मान लो इसको खराब सामान है सारा, इसको बेच देंगे। और देखो यहाँ की लोकेशन गाइज, मतलब एकदम पुराने टाइप की लोकेशन है, लेकिन देख कितनी मज़ेदार लोकेशन है, और देखो कितना अच्छा सीन है इधर का, ये डिक्सी लगी हुई है, और ये हमारा सामान है पूरा, और ये भी हमारा ये पीछे, भले अपन पीछे अगर मान लो ज़्यादा मेहमान आते हैं तो यहाँ पे सो सकते हैं, और मतलब अच्छा लगेगा पूरा, नहीं अंकिता? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो सारे हाँ ये तो ऐसे भी, इसको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो कूलर का मुंह अभी अंदर हो रहा है ना,
ये बाहर हो जाएगा। और बाहर का सीन दिखाता हूँ गाइज आपको, ये देखो बाहर की लोकेशन देखिए कितनी मस्त है। भगवान सामने भी है, माता जी का मंदिर है सामने, और देखो कितना अच्छा सीन है यहाँ से। हम तीसरी मंजिल पे हैं गाइज। हाँ ऐसी सीढ़ियाँ हैं यार, सीधी है बिल्कुल, डर लगता है इसका तो भाई साहब, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे। तो धीरे धीरे जाया कर, मैं तो पानी भी नहीं लेके आती हूँ, कैंपर भर के रख के आती हूँ, क्योंकि पानी नीचे आता है, बाकी तो 24 घंटा ऊपर आता है, सब सारा काम नाना दोनों सब ऊपर है, पर पानी पीने का नीचे आता है। यार ना कोई प्रॉब्लम तो हर जगह मिलती है छोटी सी, तो चलेगा कोई नहीं, और बहुत मजेदार है। तो गाइज अभी साग सब्जी कुछ नहीं है घर में, बातें कर रही हूँ भगवान की, वो करती हूँ। हाँ अभी साग सब्जी ले बजाएंगे शाम को, तब तक हम भगवान के लिए टेबल को सजाएंगे अभी। तो गाइस फाइनली मैं ना के आ गया हूँ, और अभी भगवान के लिए हम तस्वीरें जमा रहे हैं, तो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ हमारे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो हमने जमा दिया है इस टेबल के ऊपर, और नीचे ना जो भगवान जी के सामान है वो सब नीचे रख देंगे, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे तिरुपति बालाजी और करवा चौथ माता और माँ लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी माता कैसे मुस्कुरा रहे, कुबेर भगवान कितने हंस रहे देखो, कुबेर भगवान को भी पहले देख, मैं चाहता हूँ कि कुबेर भगवान की तरह मेरे अंकिता हमेशा मुस्कुराए। और पता है फ्रेंड्स, जब हमारा सब ने साथ छोड़ दिया था ना, उस टाइम पे यही भगवान थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, सब सबको जिसको भी हम मजबूरी बताते थे वही हमारा फायदा उठाते थे, हमारी भावना को कोई किसी ने नहीं समझा, पर सब मजबूरी का फायदा उठाते गए, सब ने साथ, हाँ सबने परछाई तक ने साथ छोड़ दिया था ना, तब तिरुपति बालाजी ने सचमुच हमारा रियली में, हाँ यही है कि भगवान ने बस हमारा साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल, और एक अंकिता ने नहीं छोड़ा, एक मैंने भी तेरा नहीं छोड़ा, तो सब कुछ ही खत्म था ना, और मैं भी तेरा छोड़ देता था नहीं होता, मेरा भी सब कुछ ही खत्म, और हमारे माता पिता का है ना रियल आशीर्वाद उनका था, भले हमारी उनसे बात होती है नहीं हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारा हमेशा हमारे साथ रहता था कि हम हमेशा खुश रहे, तो उन्हीं की वजह से हम जिंदा है और हमारे भगवान जी की वजह से। तो गाइज बने रहो ब्लॉग में, अभी हम नीचे से दिखाएंगे हमारा मकान कैसा है, और मार्केट में जाएंगे सब्जी लेने, और कुछ खा पी के भी आएंगे बाहर। गाइज अंकिता है ना अकेले अकेले छुप छुप के ना, देखो खोपरा तोड़ रही है, छुप छुप के तोड़ूंगी क्या खोपरा भी, कौन सी बात, और क्या देखो पानी भी इसने चुपके से निकाल के पी लिया है, थोड़ा सा पानी पी लिया है, हाँ थोड़ा है झूठी। तो गाइज देखो मैं तो उधर भगवान जी को पूज रहा था, उधर भगवान जी का नाम ले रहा था, ये पीछे से आगे चुपके से चोरी करके और नारियल खा रही है। और देखो गाइज सूर्य का प्रकाश कितना मस्त आ रहा है, मतलब इतनी धूप नहीं निकल रही अभी, तगड़ा आ रहा है भाई सही में, देख लो गाइज अब आप ही देख लो, ये खा रही थी नहीं खा रही थी, देखिए उसका मुँह चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी खिला सबको, उनको ऐसा कर हाँ उनको नारियल का पानी पिलाओ। गाइज आप सब नारियल का पानी पियो, क्योंकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमको, कमेंट कर रहे हो अच्छी अच्छी, तो आप नारियल का पानी पियो, आपके लिए स्पेशल नारियल का पानी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाजार, और अंकित आ गई है नीचे, और हमने जो नया मकान लिया था ना वो ये है गाइज, आपको दिखाते हम, देखो कितना मस्त है, आंटी बैठी है मकान मालिकन, और ये मकान है। तो गाइज ये मकान हमने लिया है भाड़े पे, ऊपर वो तीसरा मंजिल का दिख रहा है ना वो हमने लिया है। तो कैसा लगा हमारे मकान का, कमेंट करके बताना। इधर साइड में बुलेट खड़ी है, हमारी तो नहीं है लेकिन हम फोटो वोटो तो खिंचवा लेंगे। क्या बोलता फोटो मेरे को दिख नहीं सो। तो गाइज हम हमेशा की तरह श्रवण भाई के लारी पे आ गई है यहाँ पे, ये लेने देखो यहाँ पे सब्जी पड़ी है, टमाटर केरी आलड़ी, अब आलड़ी तो हम खाएंगे नहीं, अंकिता पहले फिक्स करके आई थी कि भाई केरी लेके जाएंगे, हाँ ये केरी खाएगी, और हम बार बार में सब्जी वाला नहीं बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता है हमको क्योंकि बार बार में भाई साहब अच्छा दिखाने के चक्कर में महंगा पड़ जाएगा, महंगा वाला काम करते नहीं कभी, तो यहीं पे आते हैं। ये भाई है हमारा पहचान वाला है, ये प्रकाश भाई का भाई है, तो हम यहाँ से केरी लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो बने रहो। तो गाइज हमने फाइनली सब्जी ले दी है अंकिता ने, और अब अंकिता बोल रही है कि भूख लग रही है कुछ खाना है, तो हम खा के फिर घर पर जाएंगे गाइज, तो आप बने रहो ब्लॉग में। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं जलेबी वाले भैया की दुकान पे, ये भैया जलेबी वाले शॉप वाले बहुत ही अच्छी जलेबी बनाते हैं भाई साहब, इनका नाम चलता है इधर। तो गाइज अंकिता खा रही है जलेबी, क्या हुआ गाइज इसको है ना इतनी भूखी है ये, पूछो नहीं आप नहीं, बात नहीं, वो है
गरम गरम है, देखो इतनी गरम है फिर भी दबा दबा के खा रही है। लेट हो रही है क्या? लेट नहीं हो रही हूँ, फटाफट घर जाना है। ऐसा है क्या? तो सबको खिला दे, तू अकेले के लिए क्या खा रही हो? तो गाइस आप भी जलेबी खाओ, मस्त मस्त। गाइस हम फाइनली भैया की दुकान पे पहुंच चुके हैं। जो पहले वाले अंकल दिखते थे ना, अब वो कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने रूम चेंज कर दिया ना, और रूम चेंज भी इतनी दूर कर दिया, 40-50 किलोमीटर दूर, तो उसको हम कभी भी नहीं दिखेंगे। तो भैया के पास से हम फीस ले रहे हैं 10-10 वाली, घर पे जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ठंडा पी के चलते हैं, क्योंकि आज सब्जी भी कड़ी की थी तो साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ठंडा ही लेके जा रहे हैं। तो गाइस बने रहो ब्लॉग में। तो भैया हमारे मतलब फीस थी तो रेड वाली फीस थी, जिसमें थोड़ी दारू की खुशबू आती, तो हम नहीं पीते। और ये हमने मिरिंडा ले ली, क्योंकि ये राजस्थान में ज़्यादा मिलती है ना, यहाँ पे बहुत कम मिलती है। हाँ बहुत चिल्ड है यहाँ पे, मिलती बहुत कम है ना, इसलिए हमारा मन कर रहा था कि चल आज मिरिंडा पीते हैं। तो गाइस हमने मिरिंडा ले ली है। तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुँच चुके हैं, और अंकिता थक गई है 3 मंजिल पे चढ़ते चढ़ते। अंकिता सांस फूल गया, और अभी हम आ गए घर पे। तो अंकिता कोल्ड ड्रिंक को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ये पिएगी सबसे पहले। तो देखो गाइस हमारे मतलब शाम को देखो लाइट जलने के बाद देखो रूम कितना अच्छा लगता है, देखो बैकग्राउंड भी कितना मस्त है, नहीं रूम अच्छा लग रहा है ना? तेरे को नहीं पूछ रहा हूँ अच्छा, मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को पूछ रहा हूँ, कमेंट करना। तो गाइस अंकिता कोल्ड ड्रिंक खोल रही है, लेकिन खुल ही नहीं रही, कि किसको खोलना ही नहीं आता। अभी बोलो बोलो, अभी कैन भी इसको खोलना नहीं आता। हद हो गई यार, आज ला मेरे को दे। कैसी लगी मिरिंडा पी के आज, बहुत टाइम बाद में? तो फैमिली आप भी मिरिंडा पीजिए। पता है इसमें क्या है, अंकिता बोल रही थी मेरे को तो ना वो क्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, फिर आइसक्रीम मिली नहीं, तो मैंने बोला मिरिंडा लेके चल। और मिरिंडा पहले आइसक्रीम का बोला, आइसक्रीम नहीं मिली, फिर ब्लैक फिश का बोला वो नहीं मिली, आगे फिर मिरिंडा मिली। और मिरिंडा पता है क्यों ले आया हम, क्योंकि मैं भाई मिरिंडा है ना बहुत पीता था पहले गाँव में ज़्यादातर मिरिंडा। हाँ पर यार यहाँ पे मिलती नहीं है मिरिंडा, बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए आज मिरिंडा की याद आ रही थी, हम लेके आ गए। गाइज अंकिता ने भगवान जी का अगरबत्ती लगा दिए, और आज नए रूम में पहले दिन मतलब भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो गाइज आज के खाने में बन रही है रोटी और कड़ी की सब्जी, क्योंकि हमें एक ही टाइम बनाते हैं, सुबह बनाए थे और शाम को हो गए हमारे, दो ही तो जने रहते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं तो वैसे भी सब्जी ख़राब नहीं होती है। और तो आज के व्लॉग में तो हमने कुछ स्पेशल बनाया नहीं गाइज, क्योंकि नॉर्मली था सब कुछ, क्योंकि आज तो हमारी स्टोरी हमने सुबह डाली थी ना, तो उसके कमेंट पढ़ने में और रिप्लाई देने में पूरा दिन निकल गया, स्टोरी मेंशन करने में। तो आज कुछ स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा घूमे थे बाहर, और थोड़ा रूम वूम लिया था, तो उसकी साफ सफाई की थी, तो टाइम ही नहीं मिला। गाइज आप बताना कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाए, कहाँ पे जाए, कहाँ पे घूमे, और किस चीज की वीडियो लेके आए, तो हम वैसी वीडियो बनाएंगे और सब कुछ वैसा ही करेंगे। क्या है अभी तो फिलहाल घर के ही बनाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं इसमें। और अब टाइम निकाल के बाहर जाएंगे, बाहर की वीडियो शूट करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी वीडियो हम बनाएं। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।